आज हम बात करेंगे ग्रेट साइंटिस्ट डिमेट्री मेंडलीफ के बारे में। आज हम जो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आविष्कार डिमेट्री मेंडलीफ ने किया था। उनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस में हुआ था। उसे आप रूसी केमिस्ट या इन्वर्टर भी कह सकते हैं। वह रसिया के एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। सन 1859 में मेंडलीफ अपनी मां के साथ 2000 किलोमीटर का सफर तय करके मॉस्को गए थे, मॉस्को के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, उन्हें दाखिला नहीं मिला। फिर उन्होंने एक लंबा सफर तय करके सेंट पीटरब्रूस पहुंच गए। वहां पर सेंट पीटरब्रूस इंपीरियल यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला मिल गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई वहां से पूरी की और वह पढ़ाई पूरी करने के बाद मेंडलीफ एक महान साइंटिस्ट बने और उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। उन्हें आप फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। आखिरकार उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1907 में हुई। कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सारा रिक्टर, जिनका जन्म 3 मार्च 1902 में हुआ था। सिविल वॉर के दौरान उसे ओकला में 160 बीघा बंजर जमीन दिया गया। तभी दोस्तों, काले गोरे का बहुत भेदभाव चल रहा था और गैर लोगों को खेती वाली जमीन दी गई। बाद में दोस्तों पता चला कि उस सारा रिक्टर की जमीन से तेल निकल रहा है और वो लड़की 11 साल की उम्र में ही देश की पहली ब्लैक मिलेनियर बन गई और सारा रिक्टर की मृत्यु 22 जुलाई 1967 में हुई, जब वो 65 वर्ष की थी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। थैंक यू।